आप देख रहे हैं नंबर वन डिजिटल न्यूज चैनल टीडी न्यूज, सच्ची और बड़ी खबर। नमस्कार, मैं हूं परितोष कुमार, आप टीडी न्यूज पर देश नीति देख रहे हैं। बीजेपी बना रही नया सामाजिक वोट बैंक, उत्तर प्रदेश और बिहार में अति पिछड़े और पसमांदा मुस्लिमों को जोड़ने पर फोकस कर रही है। आपको बता दें कि बीजेपी पहले से ही यूपी और बिहार में पिछड़े मुसलमानों को लुभाने के प्रयास कर रही है। बीजेपी की नज़र नए सामाजिक गठबंधन को मजबूत करने पर है। पार्टी का मानना है कि नया गठबंधन आने वाले आम चुनाव में इन महत्वपूर्ण राज्यों में उनकी लड़ाई को आसान बना देगा। पार्टी के नेताओं का कहना है कि यूपी में कुल मुस्लिम आबादी में पिछड़े मुसलमानों की हिस्सेदारी करीब 70% है। बीजेपी पहले ही यूपी के रामपुर, लखनऊ और बरेली में पसमांदा मुसलमानों के लिए सभा आयोजित कर चुकी है। भाजपा ने 26 नवंबर को संविधान दिवस पर पटना में एक कार्यक्रम आयोजित करने की योजना बनाई है, जिसके लिए ईबीसी दलितों, आदिवासियों और पसमांदा मुसलमानों के लिए प्रतिभागियों को अपने हक की लड़ाई के लिए एक समूह के रूप में काम करने के लिए इकट्ठा किया जाएगा। यूपी में भाजपा ने उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक और अल्पसंख्यक कल्याण राज्य मंत्री दानिश आजाद अंसारी को अपनी प्रस्तावित नई सोशल इंजीनियरिंग का जिम्मा सौंपा है। अंसारी को पसमांदा मुसलमानों तक पहुंचने की जिम्मेदारी दी गई है। भाजपा के वरिष्ठ नेता और बिहार विधान परिषद के सदस्य संजय पासवान पटना में पार्टी की दावेदारी का नेतृत्व कर रहे हैं। इस साल की शुरुआत में यूपी विधानसभा चुनाव से पहले कई गैर यादव ओबीसी नेता भाजपा से समाजवादी पार्टी में चले गए थे, जिसके रहते भाजपा के ओबीसी वोट के आधार को नुकसान पहुंचा था। पार्टी सूत्रों ने कहा कि इनमें से कुछ नेताओं को वापस अपने पाले में लाने के प्रयास करते हुए भाजपा को उम्मीद है कि एक और सामाजिक गठबंधन बनाने के समानांतर प्रयास से छिटके हुए समर्थन को वापस हासिल किया जा सकता है। भाजपा का यह नया सामाजिक गठबंधन इसलिए भी अमल में लाया जा सकता है क्योंकि कुछ महीनों पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हैदराबाद में अपने राष्ट्रीय कार्यकारिणी सम्मेलन को संबोधित करते हुए पार्टी से हिंदुओं के अलावा अन्य समुदायों में वंचित और दलित वर्गों तक पहुंचने का आग्रह किया था। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। अपडेट्स के लिए आप सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और देखते रहें टीडी न्यूज। नमस्कार।